हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल आधारशिला क्लासेस। हम लोग पढ़ रहे हैं फिजिक्स, और फिजिक्स में हम लोगों ने पिछले वीडियो में जो है कई सारे न्यूमेरिकल्स की बात की थी। आप लोग, मैंने कहा था कि अगले वीडियो में मैं लेकर आऊँगा आपके लिए औसत चाल के बारे में और औसत वेग के बारे में। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं औसत चाल। औसत चाल क्या होता है? तो देखिए, चाल जो है ना दो प्रकार का होता है, ठीक है। अगर किसी वस्तु की स्पीड निकालनी हो तो दो प्रकार से हम लोग निकाल सकते हैं। कौन कौन से? तो ध्यान दीजिए, एक हो सकता है कि हमने टोटल जो दूरी तय की, मान लीजिए कि कोई वस्तु जो है एक समान चाल से अगर दूरी तय कर रही है तब तो बात ठीक है। लेकिन अगर कहीं गाड़ी जो है हमेशा एक स्पीड से थोड़ी चलती है जी, नहीं, कभी 40 से चलेगी, कभी 60 से चलेगी, फिर कभी कभी ऐसा भी आता है कि 30 पर भी चला जाता है। कभी कभी हम लोग 80 पर लगा देते हैं। नहीं, जो लोग ज़्यादा तेज होते हैं, जो लोग ज़्यादा स्मार्ट होते हैं, वो लोग तो खुले रोड में जो है 80 पर भी लगा देते हैं। नहीं, तो गाड़ी एक स्पीड से नहीं चलती है। इसका मतलब क्या है कि गाड़ी जो है एक समान चाल से नहीं चले, मैंने असमान चाल से चले, तो औसत चाल किसको कहेंगे? बात समझ लीजिए, अभी नहीं समझिएगा बाद में समझने का मौका नहीं मिलेगा। औसत चाल किसको कहेंगे? औसत चाल हमने टोटल जो दूरी तय की ना, मान यहाँ से जहाँ पर जा रहे हैं, मान लीजिए कि बिंदु ए से हम बी पर जा रहे हैं, तो ए से बी तक ने टोटल जो दूरी तय की, इसमें टोटल जो समय लगा उसको भाग देने पर आएगा औसत चाल। समझ रहे हैं ना बात? टोटल का एवरेज, समझ रहे हैं? अब देखिए ये चाल क्या होता है। चाल माने किसी एक छोटे से समय अंतराल। मान लीजिए कि हम जो है एक बिंदु ए है और हम पहुंचे ए डैश पे, ठीक है, ए डैश पे पहुंचे, इन दोनों के बीच में चाल क्या थी? अगर कोई आपसे पूछ दे कि कहाँ कहाँ कितना चाल चलता, यहाँ से यहाँ तक कितने चाल पे थी तुम्हारी गाड़ी, यहाँ से वहां तक कितनी थी, तो इसके लिए हमको निकालना पड़ेगा चाल को। इसके लिए हम क्या कहते हैं? चाल को। इसको क्या कहते हैं? तात्क्षणिक चाल भी कहते हैं। इसको तात्क्षणिक माने हमको निकालना पड़ेगा उस क्षण का चाल, ठीक है। उस क्षण का जब चाल निकालेंगे उसके लिए हम प्रयोग करते हैं तात्क्षणिक चाल भी, ठीक है। अब चलिए परिभाषा थोड़ा सा समझ लेते हैं। कह रहा है औसत चाल, इसको कहते हैं एवरेज स्पीड। इसको दर्शाते कैसे हैं? इसको दर्शाएंगे भी, यहाँ लिखेंगे एवरेज, ठीक है। कई सारे बुक में ऐसे लिखा रहेगा भी एवरेज, तो इस बात को ध्यान में रखिएगा। भी या नीचे लिखा रहेगा ए भी, कहीं कहीं लिखा रहेगा ए भी जी, ठीक है, कहीं कहीं केवल ए भी लिखा रहेगा, कहीं कहीं ए भी जी लिखा भी जाएगा। तो भी ए भी अगर कहीं लिखा हो इसका मतलब है औसत चाल कह रहा है। भी ये भी लिखा मतलब औसत चाल, ठीक है। और चाल को कैसे दर्शाएंगे? भी से। चाल को भी से दर्शाएंगे, और औसत चाल को दर्शाएंगे भी ए भी। अगर चाल को, ठीक है, अब देखिए औसत चाल क्या होता है? औसत चाल को इंग्लिश में क्या कहते हैं? एवरेज स्पीड कहते हैं। इसलिए तो यहाँ पर नीचे लिखते हैं एवरेज वेलोसिटी। ये क्या? वी फॉर वेलोसिटी, और यह कैसा एवरेज है, ठीक है। तो औसत चाल को हम लोग दर्शाएंगे एवरेज स्पीड से, वी ए वी से, ठीक है। अब देखिए कह रहा है किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में तय की गई दूरी को औसत चाल कहते हैं। किसी वस्तु द्वारा एकांक समय, एकांक मतलब एक, ध्यान रखिएगा, एकांक समय एक सेकेंड, एक घंटा, एक मिनट, क्या है? एकांक समय है। क्या है जी? एकांक समय है। एक घंटा, एक मिनट, एक सेकेंड एकांक समय है। लेकिन दो घंटा कर दीजिए तो अभी दो सेकेंड ही क्यों ना हो, एकांक समय नहीं है। याद रखिएगा, एकांक मतलब एक। एकांक समय में तय की गई दूरी माने एक सेकेंड में कितना दूरी तय करता है। अगर एक घंटा में दिया है चाल, तो एक घंटा में कितना दूरी तय करता है उस बात को हम लोग बताते हैं औसत चाल के माध्यम से। औसत चाल बराबर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? टोटल दूरी में टोटल समय से भाग कर देंगे। वही लिखा हुआ है तय की गई कुल दूरी बटा जो है तय की गई, तय करने में लगा समय, ठीक है। अब चलिए समझ लेते हैं औसत चाल है, सॉरी चाल को, इसको हम लोग तात्क्षणिक चाल भी कहेंगे। तो एक ही बात है, देखिए किसी एक वस्तु द्वारा एक छोटे समय अंतराल में, बड़ा समय अंतराल नहीं लेना, एक छोटा, बहुत छोटा समय अंतराल लेना है,
और उसमें जो तय की गई दूरी तथा समय अंतराल, उस समय अंतराल के अनुपात को उस वस्तु की क्या करते हैं, चाल करते हैं, इसको तात्क्षणिक चाल भी कहते हैं। यानी 2 सेकेंड में कितना तय किया, या खाली पूछ देगा कि यहाँ से यहाँ तक ले, मैंने ग्राफ पर, ग्राफ पर आगे जो है हम आपको सब समझाएंगे, ठीक है। तो इन दोनों को आप लोग नोट कर लीजिए, अरे आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। अब हम लोग इससे संबंधित कुछ और बातों को भी समझ लेते हैं। चलिए इससे संबंधित कुछ और बात समझते हैं। चलिए औसत चाल, सबसे पहले चाल को समझ लेते हैं। भी बराबर आपको एक फॉर्मूला लिखा हुआ होगा, एस बटा टी। यहाँ पर भी क्या है, एस क्या है, टी क्या है। तो बाबू भी बराबर एस बटा टी लिखे थे ना जी, चाल बराबर दूरी बटा समय। भी क्या है, भी जो है चाल है। भी क्या है जी, चाल है। एस क्या है, एस जो है दूरी है। और टी क्या है, टी जो है समय है, ठीक है। याद रखिएगा वी बराबर एस बटा टी। वी क्या है, चाल है। एस क्या है, दूरी है। टी क्या लिया, हमें समय लिया है, ठीक है। अब देखिए अगर आपको कोई पूछ दे चाल या औसत चाल का मात्रक, चाल या औसत चाल का मात्रक पूछ दे, औसत चाल का ऐसा ही मात्रक पहले सबसे पहले बात करते हैं, उसके बाद मात्रक बात करें। तो ऐसा ही मात्रक कोई अगर आपसे पूछ दे तो क्या बताइएगा, दूरी बटा समय है, यानी कि एस बटा टी। दूरी का क्या होता है, अभी हमने आपको पिछले वीडियो में जो रिव्यू बताया था, ए मीटर। दूरी का क्या होता है, मीटर। टी, टी यानी टाइम, टाइम। सेकंड, समय का क्या होता है, सेकंड, यानी कि मीटर प्रति सेकंड। याद रखिएगा इसको, इस बात को जो है लिखा जाता है जब भी एक बटा दस हो, इसको लिखते हैं 10^-1। यानी 10^-1 जब भी बटा में हो, 1/10^1 है जी, जब भी बटा में पावर हो तब उसको जो है हम लोग ऊपर जब लिखेंगे ना तो माइनस लगा देंगे। 1/2 तो क्या लिखेंगे, 2^-2। 1/4 है तो क्या लिखेंगे, 4^-2। 1/x^2 है तो क्या लिखेंगे, 1^-2। 1/x है तो क्या लिखेंगे, 1^-1। और 1/मीटर है तो, सॉरी 1/सेकेंड है, तब क्या लिखेंगे, -1। क्या लिखेंगे, -1। यानी इसको लिख सकते हैं मीटर गुना 1/सेकेंड या मीटर का 1/सेकेंड का मान लिखा है। क्या लिखेंगे जी, सेकेंड इनवर्स। इसको पढ़ते हैं सेकेंड इनवर्स, ठीक है। इसको क्या पढ़ते हैं, सेकेंड इनवर्स पढ़ते हैं। आशा करते हैं आप लोगों को ये बात समझ में आया होगा। चलिए अब एक और मात्रक इसको मिला देते हैं, इधर वाला एक और मात्रक है जो हम लोग अक्सर जो है अगर कोई गाड़ी दूरी तय करती है तो हम लोग कहते हैं उसको है किलोमीटर प्रति घंटा। वह क्या है, किलोमीटर प्रति घंटा है। तो यही दूरी का हो गया, एस बटा टी है ना जी। दूरी का है किलोमीटर लिया गया है और टी लिया गया घंटा, यानी किलोमीटर प्रति घंटा। तो जब अधिक दूरी तय करना रहता है गाड़ी को, तब उसके लिए मैंने कोई गाड़ी जो अधिक दूरी तय कर रही है तब उसके लिए किलोमीटर का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। ये बड़ा मात्रक है, अगर अधिक दूरी तय करना हो तो किलोमीटर का प्रयोग करेंगे। और कण द्वारा तय की गई दूरी को हम लोग मीटर करेंगे। तो हम लोग जो न्यूमेरिकल करने वाले हैं उसको हम लोग मीटर प्रति सेकेंड में ही रखेंगे, ना कि किलोमीटर प्रति घंटा में। ध्यान रखना है इस चैप्टर में जो है हम लोग ऐसे ही मात्रा का प्रयोग ही करेंगे, मीटर प्रति सेकंड का ही प्रयोग करेंगे। अगर आपसे पूछा जाए कि एग्जाम में कि दूरी का, सॉरी चाल का या औसत चाल का ऐसे मात्रा क्या है, तो क्या बताइएगा, मीटर प्रति सेकंड। इस बात को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। मीटर सेकंड इनवर्स आपको बताया मैंने कि कैसे लिख सकते हैं। चलिए अब हम लोग जो है थोड़ा सा एक और बात कर लेते हैं। मान लीजिए कि अगर आपको मीटर प्रति सेकेंड को, सॉरी किलोमीटर प्रति घंटा को, किलोमीटर प्रति घंटा को अगर आपको मीटर प्रति सेकेंड में बदलना हो तो कैसे बदलिएगा भाई। देखिए ध्यान दीजिए कैसे बदलिएगा, किलोमीटर प्रति घंटा यानी किलोमीटर बटा 1 किलोमीटर/1 घंटा। इसका मतलब यही ना हुआ जी। देखिए 1 किलोमीटर में कितना मीटर, 1 × 1000। 1000 से गुना करते हैं, आपको पता है किलोमीटर को मीटर बदलने के लिए 1000 से गुना करते हैं। नहीं याद है आपको तो याद कर लीजिए, दिमाग मिटा लीजिए। 1 किलोमीटर को मीटर बदलने के लिए 1000 से गुना करते हैं।
और एक घंटा को मिनट में सबसे पहले बदलेगा, उसके बाद इसमें बदलेंगे सेकंड में। मिनट में बदलने के लिए 60 से गुणा किया, सेकंड में बदलने के लिए भी 60 से गुणा करेंगे, ठीक है। अब देखिए ये जीरो से जीरो कट जाएगा, ये जीरो से जीरो कट गया। अब देखिए ये बच गया 10/6, कितना बच गया 10/6 गुणा 6, दो से कटा दीजिए 3, ये हो जाएगा 5। किलोमीटर को जब हम किलोमीटर प्रति घंटा को, किलोमीटर प्रति घंटा को यहाँ पे लिख देते हैं, ये तो ठीक है, यहाँ पे नीचे लिख देते हैं किलोमीटर प्रति घंटा को जब चेंज करेंगे, क्या करेंगे जी, चेंज करेंगे, जब चेंज करेंगे मीटर प्रति सेकेंड में, ठीक है, तो मीटर प्रति सेकेंड में चेंज करेंगे, अगर किलोमीटर प्रति घंटा x है तो उसमें 5/18 से गुणा कर देंगे, कितना से गुणा कर देंगे 5/18 से गुणा कर देंगे, ध्यान में रखना बात है, कितना से गुणा करेंगे जी 5/18 से गुणा करेंगे। चलिए इस बात को नोट कर लीजिए, आप सबसे पहले आप लोग नोट कर लिए होंगे। अब चलिए समझते हैं मीटर प्रति सेकेंड को किलोमीटर में कैसे बदलेंगे। किलोमीटर को तो बदलने के लिए 5/18 से गुणा किया, और मीटर प्रति सेकेंड को बदलने के लिए कितना से गुणा करेंगे जी, चलिए इस बात को भी समझ लेंगे। मान लीजिए आपको वैसे बदलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन अगर मान लीजिए कोई आपसे पूछ दे जबरदस्ती, तो क्या कीजिएगा, बताना पड़ेगा उसको, समझाना पड़ेगा उसको, नहीं समझाइएगा तो फिर आपको बोखा समझ पाएगा, हमेशा नीचा दिखाता रहेगा, ये आप हमको पसंद नहीं है, हमको पसंद नहीं है तो आपको भी पसंद नहीं होगा। चलिए एक मीटर प्रति सेकंड का मतलब क्या हुआ, 1 मीटर/1 सेकंड, इसलिए इसको सीख लीजिए ताकि आपको कोई नीचा नहीं दिखा सके, ठीक है, आपको कोई चार कर भी नीचा नहीं दिखा सके। एक मीटर को किलोमीटर बदलेंगे क्या करेंगे, मीटर को किलोमीटर बदलेंगे उल्टा करेंगे, भाग करेंगे, क्या करेंगे भाग करेंगे, और सेकेंड को किलोमीटर बदलने के लिए क्या करेंगे भाग करेंगे, सॉरी 60 × 60 भाग करेंगे ना, 60 से बदल दिए घंटा में, 1/60 किए तो घंटा में, और 1/60 और किए तो क्या, सॉरी 1/60 किए तो मिनट में, और 1/60 किए तो घंटा में, ये हो गया 1/1000, और ये 60 × 60 चला जाएगा ऊपर और नीचे आ जाएगा 1, ठीक है, 1 0 से 1 0 कट गया, और फिर 1 0 से 1 0 कट जाएगा, दोनों 0 कट गया, बच गया 6/10 का, बच गया, कटा दो ना, सॉरी 6/10 नहीं, 6 × 6/10, तो ये कट गया 3 बार, ये बच गया 5/18/5। कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब है कि जब भी आपको मीटर प्रति सेकेंड को किलोमीटर घंटा में चेंज करना हो, क्या करना हो, चेंज करना हो, तो उसके लिए फार्मूला क्या अपनाइएगा, फार्मूला अपनाइएगा x × 18/5। अगर एक मीटर प्रति सेकेंड को चेंज करना हो किलोमीटर प्रति घंटा में, उसके लिए फॉर्मूला हटाइएगा 18/5। तो एक नोट में लिखिए, आप लोग कॉपी पेन लेकर बैठे होंगे, अगर नहीं बैठे हैं तो पहले कॉपी पेन लेकर आइए, उसके बाद बैठिए, वीडियो को पॉज कर दीजिए और कॉपी पेन लेकर बैठिए। तो एक मीटर प्रति सेकेंड को किलोमीटर में बदलने के लिए फार्मूला क्या नहीं है, 1 × 5/18 1 × 18/5, और एक नोट नंबर ये है, एक नोट नंबर दो है क्या, एक किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकेंड में, कॉपी पेन लेकर बैठे होंगे आप लोग, नोट करते चलिएगा इस बात को, ध्यान में नहीं रख दीजिएगा तो फिर गड़बड़ हो जाएगा बात, अब तो छोटे छोटे बच्चे भी लगेंगे कहने कि जो है इतना बड़ा हो गया लेकिन इसको नहीं आता है, तो आपको बनना है तेज, तो इसको नोट करते चलिए, हमारे साथ बने रहिए, आपको हम एकदम तेज बना के छोड़ेंगे, थोड़ा सा भी आपको पूरी जो है नीचा नहीं दिखा सकेगा, चार कर दीवार से पीछे रह जाएगा, पीछे कर पीछे रह जाएगा।
तो ध्यान में रखिए इस बात को। चलिए 18/5 गुना करेंगे अगर मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर बदलना हो, और किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदलना हो तो 5/18 से गुना करेंगे। अगर अब आपसे कोई ऐसा प्रश्न पूछे तो आप उसको जो है इस तरह समझा दीजिएगा कि ऐसे भी समझा सकते हैं ना आप लोग, ऐसे भी समझा दीजिएगा, इस तरह समझाइए कि वो फिर आपसे ऐसा प्रश्न पूछे ही नहीं, हिम्मत ही नहीं हो उस बात में। जब भी पूछने आए तो सोचेगा उसके माइंड में यह चलना चाहिए कि हाँ ये जरूर बता देगा, हम जितना चाहते हैं उससे ज़्यादा बता देगा ये, ऐसा बना के रखिए अपने आप को। ठीक है, चलिए आप लोग इसको नोट कर लीजिए। चलिए इतनी बड़ी बात हमने सीखी है कि किलोमीटर को मीटर बदलने के लिए, जब ये बात हम लोग ने सीख ही लिया है तो इस पर हम लोग कुछ न्यूमेरिकल्स भी लगा लेते हैं ताकि आपके मन में कोई डाउट ना रहे और आप जो है बेफिक्र रहें, बिना डाउट के रहें, और जब बिना डाउट के आप में क्लैरिटी आ जाए, पूरी तरह से क्लैरिटी जब आ जाएगी तब आप किसी को भी अच्छे से समझा सकते हैं। तो चलिए हम सबसे पहले प्रश्न ले लेते हैं। मान लीजिए आपको जो है अगर 36 किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकेंड में बदलना है तो देखिए क्या करेंगे। अगर आपको ऐसे बनाना है बदलें, ठीक है, तो अगर आपको नियम से बनाना पड़ेगा, आप भी पूछते तब बनाइएगा ऐसे लिखिएगा कि 36 किलोमीटर प्रति सेकेंड में बदलिएगा। अभी आपने आपको बता दिया है 36 × 1000 ये हो जाएगा, जीरो से जीरो कटा दीजिए, 6 × 36 = 6 ये कट गया 1 × 10 यानी कि 10 मीटर प्रति सेकेंड, ये बदल गया सेकेंड में मीटर बटा सेकेंड यानी मीटर प्रति सेकेंड, आ गया आपका 10 मीटर प्रति सेकेंड। अब चलिए शॉर्ट ट्रिक से चलते हैं, कैसे चलते हैं शॉर्ट ट्रिक से चलते हैं जो आपको अभी हमने बताया, इस शॉर्ट ट्रिक को अपना लीजिएगा फिर जिंदगी में कभी भी आपको कॉम्पिटिशन में दिक्कत नहीं होगा, आपको इतना बड़ा का सोल्यूशन करने की कोई जरूरत नहीं है। हमने क्या बताया 1 × 5/18 करो, ठीक है 1 × 5/18 करो। जब भी अगर समय मिले तो चुपके से कोने में बैठ के फिजिक्स का किताब जरूर उठा के देखना और जरूर उस पर क्वेश्चन लगाना। तो अब देखिए 1 × 5/18 = 36 × 5/18 कटा दिया 2 × 5 = 10 मीटर प्रति सेकंड, दोनों तरीका से आ गया कि नहीं आ गया, आ गया कि नहीं आ गया, आ गया आसान है कि नहीं आसान है, बहुत आसान है। अगर मैं गलत हूँ ये आसान नहीं है तो कहिए हमसे, फिर से हम आपको इससे भी और आसानी से समझाएंगे आपको, खैर इससे आसान हो भी नहीं सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं आपको आपके लिए। अगर कहे 20 मीटर प्रति सेकेंड को किलोमीटर में प्रति घंटा में बदलें, ठीक है तो बदलें तो कैसे बदलेंगे, सॉल्यूशन करते हैं इसका भी, क्या करेंगे 20 मीटर आपको जो है अगर एग्जाम बनाना है तो ऐसे बनाएंगे 20 मीटर 20/1000 और बिना 1 सेकंड कैसे बदलेंगे 1/60 × 60 इसे बदलेंगे ना जी, यानी 20/1000 × 60 × 60 चल जाएगा ऊपर और 1 आ जाएगा नीचे। अब देखिए क्या करेंगे इसको कटा देंगे, क्या करेंगे कटा देंगे, कट गया इससे कट जाएगा। अब देखिए क्या आ गया, क्या बच गया जी 2 × 6 × 6 × 12 = 72 × 6 = 72 किलोमीटर प्रति घंटा, ना आ गया 72 किलोमीटर प्रति घंटा आ गया। अब देखिए 72 किलोमीटर प्रति घंटा आ गया आपका, इसे नियम से अब देखिए शॉर्ट ट्रिक अपनाते हैं, शॉर्ट ट्रिक क्या करता है जी 1 × 1 × 100 क्या करता है 1 × 18/5 क्या करेंगे 20 × 18/5
पांच से घटा देंगे चार बार में, अठारह यह हो जाएगा चार में अठारह, अठारह चौका बहत्तर, बहत्तर किलोमीटर प्रति घंटा। आशा करते हैं आपको कभी भी ऐसे प्रश्नों को करने में दिक्कत नहीं होगा, तो चलिए इसको आप लोग नोट कर लीजिए। अब आपको हम कुछ प्रश्न भी दे देते हैं जिस पर आप घर पे बैठ कर प्रैक्टिस कीजिएगा और आंसर जो है कमेंट में जरूर भेजिएगा। चलिए इसको मिटा देते हैं। सबसे पहले सबसे पहला प्रश्न है किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकेंड में बदलें। तो इसमें सबसे पहला है आपका 18 किलोमीटर प्रति घंटा, दूसरा है 54, तीसरा है 63, चौथा है 108, 108 नहीं 126, और अंतिम और पांचवा है आपके लिए 144। ठीक है, चलिए एक और प्रश्न देते हैं। मीटर प्रति सेकेंड को घर पे बैठ कर प्रैक्टिस करते रहिए, जब तक प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा फिर आपको दिक्कत होगा बनाने में और फिर आप जो है बहुत पीछे रह जाएंगे, पीछे नहीं बहुत पीछे रह जाएंगे। इसलिए जरूर बनाइए इसको घर पे बैठ कर और कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर भेजिए, हम उसको हम कमेंट बॉक्स देखेंगे आपका। इसमें लिखिए 25 मीटर प्रति सेकेंड और लिखिए और क्या लिखिएगा, और लिखिए 60 मीटर प्रति सेकेंड और लिखिए 90 मीटर प्रति सेकेंड और लिखिए 75 मीटर प्रति सेकेंड और अंतिम सवाल लिखिए 70 मीटर प्रति सेकेंड। इन सभी सवालों को आप जरूर कीजिए और कमेंट बॉक्स में आंसर भी जरूर दीजिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो जरूर लाइक कीजिए और आपने चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब भी कर दीजिए ताकि आपको इस प्रकार के वीडियो हमेशा मिलते रहे और आप उनसे पढ़ सके। हम आपका क्रमवार जो है चैप्टर का, टोटल चैप्टर का, फिजिक्स का टोटल चैप्टर का वीडियो आपको देंगे। आप बने रहिए हमारे साथ, केवल हम आपको जो है ऊंचाई पर पहुंचा देंगे, शिखर पर पहुंचा देंगे पूरी तरह से। धन्यवाद, आज रहने देंगे, बस इतना ही।